हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज सस्पेक्ट गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ पत्रकार रंजीत रामचंद्र छत्रपति की हत्याकांड मामले में पंचकुला की सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर विपक्षी के खट्टा सिंह ड्राइवर के फिर से बयानों को कराने के लिए ये सुनवाई नहीं हो पाई है, इसलिए इस सुनवाई की डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रंजीत रामचंद्र छत्रपति कौन थे और गुरमीत राम रहीम सिंह इस केस में कैसे सस्पेक्ट हैं और क्या हुआ था मामला जो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है जिसकी सुनवाई आज होनी थी, मगर आज सुनवाई नहीं हो पाई है और डेट आगे बढ़ा दी गई है। क्या डेट है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था। आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। दोस्तों पत्रकार रंजीत रामचंद्र छत्रपति पूरा सच नाम से एक अखबार था, इस अखबार में डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पत्रकार रंजीत ने कई ऐसे मसले उठाए जिससे कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा की साख पर बन आई थी और वो दो साध्वियों का रेप कांड मामला भी पूरा सच में पत्रकार रंजीत रामचंद्र छत्रपति ने लिखा था, जिसके चलते हुए अक्टूबर 2002 में गोली मारकर रंजीत की हत्या करा दी गई थी। इसमें सस्पेक्ट के तौर पर सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ ये केस दायर किया था और पंचकुला की कोर्ट में ये केस हत्याकांड का केस चल रहा है जिसकी सुनवाई आज होनी थी, मगर राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के दोबारा बयानों को लेकर ये सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस केस की तारीख 17 मार्च 2018 की दे दी गई है। अब देखना है कि 17 मार्च 2018 में क्या ये सुनवाई हो पाएगी, क्या सस्पेक्ट दोषी पाया जाएगा या गुरमीत राम रहीम सिंह इस हत्याकांड में दोषी करार दिए जाएंगे, क्या रंजीत रामचंद्र छत्रपति के परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा, तो आने वाला वक्त बताएगा 17 मार्च को क्या होगा। इस खबर पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, तो आप 17 मार्च का इंतज़ार कीजिए कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह क्या दोषी करार दिए जाएंगे। हो सकता है कि 17 मार्च को फैसला आ जाए। दोस्तों जो मुद्दा रंजीत पत्रकार ने अपने पूरा सच अखबार में दो साधियों के रेप कांड का उठाया था, उन्हीं दो साधियों के रेप कांड में आज राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है सुनरिया की रोहतक की सुनरिया जेल में। साधवियों के बारे में अपने अखबार में बताया था जिस कारण रंजीत की हत्या करा दी गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को जेल से ही कोर्ट में पेश किया गया और वह अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, मगर खट्टा सिंह की दोबारा गवाही को लेकर ये सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। तो सुनवाई अब 17 मार्च की है, अब देखते हैं कि 17 मार्च को क्या होगा। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।